अगर आप भी ढूंढ रहे हो 20,000 के अंदर बेस्ट फोन तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। CMA फोन 1 बाय नथिंग और यहाँ पे मोटो का G85 दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया, चलो भाई पता लगाते हैं। क्विकली आप लोगों को जो है सारी चीजें बताऊंगा, आजकल टाइम किसके पास है आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये CMA फोन 1 हम लोगों को मिलता है 15,999 का, जो की काफी ज्यादा तगड़ा प्राइस पॉइंट है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, ये आपको देखने के लिए मिलता है 17,999 रुपीज का। लेकिन दोनों की जो है एक बात माननी पड़ेगी भाई, दोनों ने कमाल का काम किया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अनबॉक्सिंग की तो अनबॉक्सिंग जो है मैंने दोनों फोन्स की क्विकली करी एंड यहाँ पे नथिंग CMA फोन 1 में ना तो एडाप्टर था ना तो कोई केस था, लेकिन वहीं पे मोटो G85 में को यहाँ पे जो है 33 वॉट का पावर एडाप्टर मिलता है, साथ में एक प्लास्टिक केस। बट प्राइस पॉइंट वहीं पे आता है बिकॉज 2,000 अप्रोक्सीमेटली जो है CMA फोन 1 सस्ता भी है। पैकेजिंग की बात करूं भाई, नथिंग हमेशा से डिफरेंट रहा है, तो पैकेजिंग जो है काफी ज्यादा प्रीमियम थी, मतलब बॉक्स भी प्रीमियम लगा एंड पैकेजिंग भी, ये थोड़ी सी इंडियन स्टाइल देसी स्टाइल वाली पैकेजिंग थी, नेवर माइंड। लेकिन पैकेजिंग का क्या करना, फोन की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे CMA फोन 1 की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स ही डिजाइन है, जैसे मैंने अपनी लास्ट नथिंग वर्सेस मोटो की वीडियो में बोला था कि नथिंग जो है यू नो फोकस कर रहा है बॉक्स ही डिजाइन बनाने पे, जैसे कि आईफोन का हो गया, पिक्सल का हो गया। वहीं पे अगर मैं मोटो G85 की बात करूं तो यार स्लीक सा डिजाइन है, कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे, और स्लीक सा डिजाइन थोड़ी पुरानी वीवो ओप्पो वाली यादें को यू नो याद दिलाता है बार बार। तो आई पर्सनली फील थोड़ा सा बॉक्स ही डिजाइन जो है आजकल ज्यादा बेटर लगता है और ट्रेंड में है, ये भी अच्छा है। अगर आपको एक स्लीक फोन के साथ जाना है तो आप मोटो G85 के साथ जा सकते हो, बट बॉक्सी डिजाइन जो है थोड़ा फोन को बड़ा बड़ा फील कराता है एंड लगता है कि भाई हाथ में कोई फोन पकड़ा हुआ है, तो ये जो है एक अच्छी बात है। यहाँ पे CMA फोन 1 बना है वीगन लेदर और प्लास्टिक से, साइड में हमको जो है प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है, बैक से वीगन लेदर का टेक्सचर है। अब जो ये वीगन लेदर है वो बिल्कुल मोटो जैसी नहीं है, बिकॉज जो मोटो की वीगन लेदर है ना वो फील हो रही है, एंड वीगन लेदर का एक डिसएडवांटेज मेरे को ये लगता है कि वो थोड़ी सी स्क्रैची हो जाती है धीरे धीरे, जो है उतना अच्छा आपको यहाँ पे जो है मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ये जो है थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहता है। बट इस बार दोनों ही फोन्स में जो है वीगन लेदर है। डिस्प्ले पे आते हैं, दोनों ही फोन्स में हम लोगों को जो है 6.7 इंचेस की ऑलमोस्ट डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है एंड कमाल की बेहतरीन डिस्प्ले है। एंड अगर मैं आप लोगों को बोलूं यार तो बेजल वाइज यहाँ पे जो है थिक बेजल्स हम लोगों को CMA फोन 1 में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि थोड़े से आउट ऑफ ट्रेंड है, मतलब पूरा फोन बढ़िया बनाया है थोड़ा बेजल में यार कमजोरी कर गए। एंड मोटो G85 में जो है ऑलमोस्ट कर्व डिजाइन देखने के लिए मिलता है, साइड से बेजल लेस लगता है, ऊपर से यहाँ पे जो है बेजल्स है, एंड यहाँ पे जो है नथिंग में थोड़ा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगा, जो मेरे को पर्सनली लगता था यार अगर ये हो जाता तो फोन 10/10 बन सकता था। और अगर मैं ग्लास की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो मतलब तोड़ो फोड़ो कुछ मर्जी करो, मतलब दोनों ही फोन्स में आने वाला है। अब एक चीज की मैं बात करूंगा यार, डिस्प्ले की बात करी, यहाँ पे नथिंग को एक बार के लिए मतलब मेरे को ताली बजानी पड़ेगी भाई, जो करते हैं डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है डिजाइन देख सकते हो, मतलब डिजाइन बहुत ही यूनिक है, एंड अभी पीछे वाली बैक प्लेट को चेंज कर सकते हो, 1500 रुपए लगेंगे, ब्लैक भी आता है ब्लू भी आता है, मतलब मल्टीपल कलर आते हैं जब मन भर जाए 7-8 महीने के बाद, तो फोन को तो आप आराम से 3 साल यूज कर ही रहे हो, हर साल आप बैक प्लेट चेंज कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे G85 में देखने के लिए नहीं मिलती। अब जो कलर हाथ में है वो जिंदगी भर चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे CMA फोन 1 के पास जो है ये एक एडवांटेज जरूर आता है। अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं भाई, तो यहाँ पे CMA फोन 1 में HDR ब्राइटनेस हमको पीक देखने के लिए मिलती है, वो है 2000 निट्स की, एंड यहाँ पे G85 में ओनली 1600 निट्स की, तो ये भी एक भाई बड़ा डिफरेंस है 400 निट्स से, एंड कंपेयर करने पे डेफिनेटली पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को जो है 400 निट्स का अप्रॉक्स डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, स्पेशली अगर मैं आउटडोर की बात करूं। परफॉर्मेंस से बढ़ते हैं, आपको CMA फोन 1 में देखने के लिए मिलता है MediaTek Dimensity 7300 और यहाँ पे देखने के लिए मिलता है Snapdragon 6S Gen 3। परफॉर्मेंस में भाई अगेन CMA फोन 1 आगे है अप्रोक्सीमेटली 37%। गेमिंग की भी बात कर लूं भाई, तो दोनों ही फोन्स डीसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, BGMI खेल लो कुछ भी खेल लो, ओवर द लाइन आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली कि आपको आईफोन जैसी गेमिंग मिल रही है या फिर सैमसंग जैसी, बट अगर मैं बात करूं यार 16,000 में अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है, दोनों ही फोन्स इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे भाई, अच्छा काम कर रहे हैं दोनों ही गेमिंग के मामले में। एंड अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स की, तो आपको यहाँ पे 2 ईयर का अपडेट देखने के लिए मिलता है, प्लस 3 ईयर सिक्योरिटी अपडेट, एंड वहीं पे यहाँ पे आपको जो है 3 ईयर्स तक अपडेट मिलने वाले एंड 4 ईयर सिक्योरिटी अपडेट, तो मोटो जो है अच्छा काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स, आपको 1 साल यहाँ पे जो है ज्यादा अपडेट मिलने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो कि है बैटरी लाइफ, दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलती है, लेकिन 10% लॉन्गर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे CMA फोन 1 में है। मैं बहुत टाइम से फोन को जो है यूज कर रहा हूँ और रिव्यू के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है CMA फोन 1 वो ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू मोटो G85। मे बी भाई प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर का ये एक बड़ा डिफरेंस जो है हो सकता है। बात करते हैं दोनों ही फोन की ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो है स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिलता है, CMA फोन 1 में स्टीरियो स्पीकर नहीं है, बट क्या जरूरत है, आवाज वैसे ही इतनी लाउड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है लाउड साउंड हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू G85। एंड इसमें भी जो है भाई CMA फोन आगे निकल जाता है। अगर मैं ब्लूटूथ की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता
सेम है फोन 1 में 5.3 और यहाँ पे G85 में 5.1, तो थोड़ा सा जो है G85 पीछे रह चुका है। एंड Wi-Fi 6 आपको जो है सेम है फोन 1 में देखने के लिए मिलता है, Wi-Fi 5 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है G85 में, तो ये भी थोड़ा बहुत जो है पीछे है। मतलब G85 पैसे ज्यादा ले लिए, थोड़ा काम हल्का सा कर दिया इसके मामले में। भाई इसको मैं थोड़ा ज्यादा नंबर देने वाला हूँ, बिकॉज एक तो ये पहले लॉन्च हुआ था, आई गेस G85 बाद में लॉन्च हुआ था। कैमरा पे आते हैं, मेन चीज है ये, और फिर आप लोगों को मैं कंक्लूजन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने के लिए मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है। G85 में आपको यहाँ पे जो है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलता है। सेम है फोन 1 एबिलिटी रखता है भाई 4K रिकॉर्ड करने की, ये 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकता। 4K बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे, हर बंदा आजकल वीडियोस मेमोरीज रिकॉर्ड करना चाहता है। एंड अगर मैं फोटोज की भी बात करूं तो फोटोज भी जो है डिसेंट है दोनों ही फोन की तरफ से। सेम है फोन 1 की फोटोज मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी, बिकॉज आपको यहाँ पे जो है सैचुरेटेड फोटोज देखने के लिए मिलती है, जो कहीं ना कहीं पिक्चर क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा और डेंस बनाती है। पिक्सल क्वालिटी भी जो है बहुत ज्यादा बेटर थी सेम है फोन 1 की एज कम्पेयर टू G85। यहाँ पे मेरे को फोटोज थोड़ी सी अनसैचुरेटेड लगी, मतलब फीकी फीकी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे यार अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। एंड मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि ये फोन जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। वीडियो क्वालिटी वाइज दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट नंबर जो है यहाँ पे भाई सेम है फोन 1 को ज्यादा जाएंगे, बिकॉज 4K आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है, जो G85 में देखने के लिए नहीं मिलता। अगर मैं बात करूँ भाई कंक्लूजन की, तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे आपको एडिशनल एक्सेसरीज का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा बेटर काम यहाँ पे जो है नथिंग ने किया है। एंड मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला परफॉर्मेंस और दूसरा कैमरा, एंड दोनों में जो है सेम है फोन 1 आगे रहा है, तो आपको जाना चाहिए इस बार सेम है फोन 1 के साथ एज कम्पेयर टू मोटो G85। होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।